बार हो चुका है। कल गुना में जो आरोन थाना क्षेत्र में जो गंभीर घटना हुई जिसमें 3 पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, उस घटना को चलते पुलिस के द्वारा सर्चिंग के लिए कई टीमें बनाई गई और आज शाम को जब पुलिस का टीम ग्राम बिरोदिया के जंगल में सर्चिंग करने लगी, वहाँ पे एक बदमाशों के साथ आमने सामने मुठभेड़ हुआ था और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश मारा गया है। उस बदमाश की शिनाख्ती के लिए अभी कार्रवाई जारी है और उसमें 2 अन्य लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, अप्रोक्स टोटल कितने आरोपी होंगे? टोटल एक पूरे घटनाक्रम में 7 से लेकर 8 आरोपी थे हमारे पास विवेचना में पता चला है। पुलिस आरक्षण अन्य लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है सोनू उर्फ शफाक खान पिता शरीफ खान और जिया खान पिता मुन्ना खान उर्फ हमीर मोहम्मद। ये सोनू है निवासी रावगढ़ का है और मुन्ना खान निवासी शहरोरा का है। आरक्षक को भी गोली लगी है और एक आरक्षक जो धीरेन्द्र है वो इस मुठभेड़ में घायल हुआ है जिनको उपचार हेतु रावगढ़ रेफर किया गया है। बाकी बदमाशों के लिए पूरा पुलिस टीम अभी लगातार सर्चिंग कर रही है और कल के घटनाक्रम में जब बदमाशों का पुलिस के साथ आमना सामना हुआ उसमें बदमाशों द्वारा कुछ सामान मौके पर छोड़ के भाग निकले जिसमें 2 हिरन और 4 हिरन के सिर और एक मोर बरामद की गई जिसका आगामी कार्रवाई हेतु फॉरेस्ट विभाग को सौंपा गया है। और बदमाशों द्वारा पुलिस का एक इंसास राइफल भी कल की वारदात में लूटी गई और उम्मीद करेंगे कि शीघ्र ही वो इंसास राइफल भी बरामद हो जाएगा और अन्य मुजरिमों के लिए लगातार तलाश जारी। थैंक यू सर। अभी जो शाम का घटनाक्रम हुआ है उसमें हमारी पुलिस की पार्टियां जंगलों में सर्च कर रही थी, उस सर्चिंग के दौरान जो बदमाश थे वो दिखे, उनको रोका गया परंतु वे रुकने की जगह उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर हुआ है, हमारा एक जवान को उसमें छरा लगा है। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने पलट के फायर किया तो उस जो व्यक्ति था जो फायर कर रहा था उसको गोली लगी है जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद में वो आइडेंटिफाई भी हो गया। इस तरह से ये कार्रवाई हुई है। अभी तक सर कितने आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, कितने गिरफ्तार? 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 4 आरोपी अभी फरार हैं, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। सर आरोपी है इसमें, सर एक सुनने में आ रहा है कि राइफल जो लूट कर ले गए थे वो बरामद कर ली है। राइफल का पूरा क्लू लग गया है और वो जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। ये भी सुनने में मिला है कि जो काले हिरण का शिकार करने गए थे वो काला हिरण नहीं था। काला हिरण नहीं था, जो मौके पे मिले हैं वो सामान्य हिरण मिले हैं और एक मोर मिला है। सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ कहाँ से की गई है? गिरफ्तारी इनकी अलग अलग स्थानों से की गई है। कुछ वहाँ जो गांव हैं विरोधिया गांव हैं उसी के पीछे की तरफ एक व्यक्ति मिला है, एक व्यक्ति को उसके आगे राहुगढ़ के इधर से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर 2 आरोपियों का हुआ है। कार्रवाई तो कार्रवाई होती है, बड़ी छोटी क्या होती है, नियम से होती है, जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें नियम के अनुसार कार्रवाई होती है। सर सोशल मीडिया के साथ साथ ट्विटर पर मंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने भी ये ट्वीट किया कि 4 एनकाउंटर पुलिस ने कर दिए हैं। मैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, आपराधिक इन्वेस्टिगेशन हम देख रहे हैं उसकी।